ये बार चुनाव के काम माहौल है वो। हाँ देखो अब कौन हारा कौन जीता थे, कहूँ हारे जीते दादा, बिना कमा खाल मिले नहीं भाई। कागर काम ज्यादा अच्छा लगा थे, कमल वाला अच्छा काम करा थे। हाँ। अब ये पार्क भगवान जाने, जैसे ब्रिजमोहन रहते ना। हाँ। तो मतलब आसान रहता, कंधे में बंदूक चला के वो खड़ा हुआ है। वाह, मतलब मेरे को, मैं ऐसे ही जा रहा था तो भगाया ना, तुरंत गाली गलौज दिए तो तुरंत भाग गया। तो ब्रिजमोहन के गढ़ के थे ना, गढ़ की थे, ब्रिजमोहन थोड़ा ना खड़ा हो, ब्रिजमोहन ब्रिजमोहन होते भाई। जितना हजार रूपए नहीं देव ततना तो बिजली बिल बढ़ा दे भैया। गैली धर के घूमी, बस जो घूमी तेला 150 दी, और बाकी मन मेहनत करके खाई। मैं दूसरा नहीं बताऊ भैया, मैं तो बस कमले छाप ला देता पैसा। वो तो अभी नया है, अब देखो का होते, लेकिन टक्कर होने चाहिए। बनाबो बनाबो बोल बोल के जाते हैं, बनाना कुछ नहीं है। बहुत दोनों का टक्कर बरोबर है, दोनों टनाटन है। हाँ दोनों चल रहा है। हाँ। तो टक्कर बरोबर की ऐसी बात नहीं है। आकाश शर्मा भी टक्कर के, आकाश शर्मा भी टक्कर के है। हाँ हाँ है। दक्षिण में इस वक्त हूँ और दक्षिण का माहौल जानने के लिए निकला हूँ कि दक्षिण में चुनाव का क्या माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं। इधर मैं सब्जी बाजार में हूँ, सब्जी बाजार में लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर भैया दीपावली तो अब खत्म हो गई है, दीपावली के बाद चुनाव का क्या माहौल है। राम राम दाई। राम राम बेटा, कहा गोठिया बोगा, कहा साग बेचा था सेतियन? हमारा गोभी भाटा टमाटर धनिया मिर्ची अदरक, रोजी रोटी निकाल गए, किलो चावल कनकी हो गए, छुट्टी पड़ी। एक ही किलो होते थे, कटे कमावेगा सियान आदमी है। साग भाजी में ज्यादा कमाई नहीं है का? नहीं है, एहतियात हो में। बेटा ठंडा पानी ठिकाना नहीं है। हाँ बहुत महंगा हो गया का? पेंशन मिला तो मिला थे, 5-6 देखा था काटे के लिए। कैसे? 500 मिले। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 1000 मिलना चाहिए। हाँ ये बार चुनाव के काम माहौल है वो। हाँ देखो अब कौन हारा कौन जीता थे, कहूँ हारे जीते दादा, बिना कमा खाल मिले नहीं। का मतलब के वो नेता मन आते वोट मांगते चल देते, 5 साल दिखा नहीं, इसे वाला है ओकर नजर नहीं आए। हाँ पतंग छाप वाला तो क्यों मशीन भर घूमी सकाल नहीं देखे, 5 साल हो गए। कौन पतंग छाप वाला? वो का ना है, नहीं जाना राजेंद्र संजू कमल छाप की पतंग छाप का वो पता है, पार्षद चुनाव वाला बात। पार्षद चुनाव बात लगा था, अभी विधानसभा फिर चुनाव हुआ थे। अब ये मन तो देख रेख करते थे, कैसनो करके दिया था। हाँ कौन का देख रेख करते बता थोड़ा सा? कमले वाला भी देख रेख करा थे, अब ये पारी कौन रही तो का जान वो बेटा। ऐसे हाँ। अभी बीजेपी ज्यादा वो कमल वाला ज्यादा दिखा थे कि पंजाब वाला ज्यादा दिखा थे चुनाव में? अभी दोनों घुमा थेगा, दोनों देखा था। हाँ काकर लगा थे, काकर काम नाम ज्यादा अच्छा है। ये काम अच्छा करी टेला वोट मिल ही गया भाई, काकर काम ज्यादा अच्छा लगा थे। कमल वाला अच्छा काम करा थे। हाँ। अब ये पार्क भगवान जाने, पंजाब वाला ठीक ठाक काम नहीं करा था, कहाँ करा थे वो तो बैठे की नहीं करते ऐसे। आकाश शर्मा जानता नहीं आना? नहीं जाना भैया, मैं कहाँ पढ़े लिखे काई करने। अरे कांग्रेस के प्रत्याशी दाई हुई चुनाव खड़े। अच्छा और सुनील सोनीला? मैं नहीं जाना कौन रखा है कठे, बोल नहीं आना। बस कमल और पंजाला जानता हैं। छप्पल देखा बेटा, मैं नाम ला पढ़ा ना लिखा। हाँ बने कहा था। हाँ मैं पढ़े लिखे नहीं है भाई, अब सुन चला था। हाँ हाँ ठीक है, और भी लोगन मन है ओकर मन ले कोठी आसान दाई। ठीक है, हमन बाजार में हन, दाई के कहना है कि भैया मैं छप्पा ला जानता हूँ, प्रत्याशी ला नहीं जाना मैं। बाबा राम राम। अरे मैंने कुछ नहीं बोला भाई। कहाँ पर गो? अरे गोठिया ना आएगा? नहीं कहा गोठिया मेरे भाई, नहीं गोठिया ले मत गोठिया बेते हैं। ये बता का माहौल का चला तभी, का माहौल है चुनाव के? माहौल है कौन जीत सकते ला का बता सकते हैं भैया। कैसे माहौल तो दोनों का अच्छा चला था भाई। हाँ दोनों के, बीजेपी और कमल दोनों के। हाँ टक्कर चली, लेकिन मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का अच्छा चला था। टक्कर चली, टक्कर टक्कर रही है समय। हाँ। तो ब्रिजमोहन के गढ़ के थे ना, गढ़ की थे, ब्रिजमोहन थोड़ा ना खड़ा हो है। एकदम सही बात कह रहा बात है, ब्रिजमोहन ब्रिजमोहन होते भाई। हाँ ब्रिजमोहन खड़े रही थी तब के बाद अलग रही है। हाँ। वो देख तरफा निकाल लेते। हाँ तो ऐसे में मतलब आकाश शर्मा जो खड़े हुए थे टक्कर दी है तगड़ा, जीत सका थे। अब बोला नहीं कि सका, लेकिन टक्कर चली ऐसे मजबूत है। मतलब इस समय, इस समय मतलब 8 बार के विधायक थे ब्रिजमोहन लाई। हाँ तब ब्रिजमोहन ने ठीक ठाक काम करे यहाँ, बहुत अच्छा करा था इसे। हाँ ऐसे
अभी अभी लोगन मन आवत की नहीं आते प्रचार प्रसार पर आते 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 काकर का कौन कौन आवत है प्रचार पर अभी दोनों पार्टी का थे दोनों पार्टी का आवत है ठीक ठाक माहौल है ऐसे आकाश शर्मा आईस मिले बर वो तो दीपावली में भी आई गौरी गौरा में ऐसे गौरी गौरा आ रही सुनील सोनी है सुनील सोनी नहीं देखे नहीं आ रही सुनील सोनी नहीं आ रही तो सुनील सोनी लोगन मन जानते कि नहीं जाना जानते जानते ना आकाश शर्मा भी जानते वो तो अभी नया है अब देखो का होते लेकिन टक्कर होने चाहिए हाँ टक्कर हुई तभी तो चुनाव मजा ही गई नहीं दीदी का कहा दीदी तक वो क्या इसकी सब कही थे बस कुछ करा नहीं इसे क्या कहा सही बात है सब बोलते बार कुछ नहीं करा पहला जब तक बोलबे जब तक नहीं जब तक ते बोलबे नहीं तब तक जान ही किसे सब चीज के महंगाई कर दे सब्जी से लेकर पूरा दाल वाल चावल हरदी मिर्चा सब महंगाई कर दे काला की भी बता अब बता इतना कन बोले के औते बोलता मैं नहीं बोला हूं का चीज ल बोल सकता है ना मेहनत करा था ना खा था ना न था तो खा नहीं सका ये दीदी एक बार जतना के ज्यादा महंगाई बिजली के बिल रेट बढ़ा दे जतना के जतना का 1000 रुपए नहीं देवत ततना के बिजली के बिल बढ़ा दे भैया सरकार की दे कि हमर 1000 रुपए ददन बड़ बड़ नाम कमाते 1000 रुपए बताओ का बता सको तला भैया 1000 रुपए दे से फायदा हुआ थे कुछ नहीं हुआ भाई हो तो 1000 रुपए पल भर में खत्म हो जाते पत्ता महंगा है टमाटर तक अभी 100 रुपए किलो 150 रुपए किलो तेल है 900 ग्राम एक किलो भी नहीं एक किलो ना सक रहा और किलो वाला लेवे तो 180 रुपए किलो है काला लेवे दाल अभी 190 रुपए किलो है सब्जी मन ली है 60-50-80 तो काला बोल सक बेते वही कम का दीदी ये बता अभी तुम्हारे दक्षिण में फिर चुनाव हुआ थे का है चुनाव कैसे माहौल माहौल तो वैसे अभी 2-4 दिन अपन मन के रैली धर के घूमी बस जो घूमी तेला 150 दी और बाकी मन मेहनत करके खाई ऐसे हाँ और कुछ नो है वो मन मेहनत करी भाई पीछे जाई वो मनते मन फिर तो नहीं मिला वो मन ओकर पीछे पीछे जाई तो 150 ल दी बस हो गए और कुछ नहीं है खत्म कहानी और एला दू भर बोली और जेकर मन आई तेन कमला दी जेकर मन आई तेन पंजल दी वो इच्छा रहे बात तोला का लगत कौन जीत मतलब काकर को ज्यादा माहौल चलाते मैं दूसरा नहीं बताऊं भैया मैं तो बस कमले छापला देता कतनो महंगाई रहे मत पैसा पैसा देवा चाहे मत रहे कतनो महंगाई रहे दीरा कमल है भी दू तब 200 रुपया किलो खाऊं और पंजल भी दू तब 200 रुपया किलो खाऊं बड़े बात कहा था तब का बात खाऊं बता दीदी कहा थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है एकदम चरम पे महंगाई है लेकिन देना तो कमल लही है कुछ बात रहा कमल लही देवो 200 रुपये किलो में साग खाओ 200 रुपये किलो में खाबो ऐसे तो ये माहौल है और भी लोगन मन है ये बैठे एकरो मन से बातचीत कर ले सन का कहा थे चुनाव ला लेके हाँ भैया क्या कहा था उतना बहुत है हाँ उतना कान बात करी बहुत है अरे सब जन से बात कर ले वो ना का है दीदी का माहौल है चुनाव के सही बात लगी है भैया रेट तो उतना ही रहना है जीते कोई भी सही बात है नाला एक तो एप्लीकेशन दे हमारे घर तरफ के नाला बनाए के वो तो सुधरे नहीं है अभी तक घर में पानी भर ओती ओती लात हम ओती आत हम ओती आवाज अच्छा है ऐसे ये लड़का धर लेगा ते मुला देख के रोत का ये दादा हाँ दीदी बताओ नाला बना के एक ठन एप्लीकेशन दे हमारे घर के पास वो भी बनना ही नहीं है घर में पानी भरी जाते है ना रेट भी बढ़ते छे सब चीज के रेट तो बढ़ना ही है और का बोल सकथन भैया जीते कोई भी बनाबो बनाबो बोल बोल के जाते है बनाना कुछ नहीं है नेता मन ठीक ठाक काम करते कि नहीं करा नहीं नहीं अभी तक तो मोर आए भले तो नहीं करे है ऐसे दिखत है भाई कवर की कितना ये जो जगह है ना एला ब्रिजमोहन के गढ़ कहे जाते कहते कि ब्रिजमोहन 8 बार लिहल विधायक बने हैं ठीक है 35 साल के विधायक रहे नहीं भैया वो नहीं बोला तो करत हो ही करते पर हर चीज में नहीं देखो हमारे घर के पास नाली भर जाते ओखर पर कितना बार हम बोल रहे कि हमारे घर के अंदर पानी घुस जाते नाली बनाओ नाली बनाओ वो चीज तो नहीं हो पाए है मोर शादी हो यहाँ 4 साल हो जाते पर एक भी सुधार तो नहीं हो पाए
ये बार क्या लगा था चुनाव का माहौल? वो नहीं बता सकूं भैया। वो दीदी बताइस ना, वही है जो भी जीती रेट उतना ही रहना है और प्रचार प्रसार वही होना है। नहीं दीदी, मैं पूछा था माहौल का, करे दू जन है ना प्रत्याशी, काकर माहौल चला था ज्यादा? माहौल नहीं बता सका, माहौल नहीं बता सका। जी जी जी, कहा मन लोगन मन से गोट बात करा था, लोगन मन अलग अलग बात कहा थे कि भैया माहौल काकरो भी रहा। ये दीदी कहा थे कि महंगाई बहुत बढ़ा थे, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये सब अलग अलग गोट बात हुआ थे। और भी लोगन मन है, होकर मन से ही बातचीत कर बोलो मन, हाँ लोगन मन का कहा थे यहाँ पे दादा? हाँ बोलिए, क्या हाल चाल? ठीक है बढ़िया। ऐसा कैसा है सब्जी का भाव? सब्जी का भाव कम होते जा रहा है, दिन पे दिन डाउन हो रहा है, रोज कम हो रहा है और डाउन होगा। ये अच्छी बात है ना? हाँ ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा खाएंगे। बहुत महंगा होने से लोग कम खाते थे, अब सस्ता होते जाएगा तो अब एक एक किलो टमाटर लेंगे, दो दो किलो टमाटर लेंगे, 40 रुपये तो अभी हो गया है, कई लोग 50 बेच रहे हैं, कई लोग 40 बेच रहे हैं, अब सब्जी सब सस्ता हो रहा है। ऐसा? हाँ भाजी भी है, लाल भाजी भी बहुत सारा है, 20 रुपये में देखो उसको। दादा ये बताओ, हाँ ये तो ठीक है सब्जी का भाव कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन अभी दक्षिण का चुनाव है, माहौल कैसा है? माहौल दोनों का टक्कर बरोबर है, दोनों टनाटन है, दोनों चल रहा है, दोनों चल रहा है, अब जिसकी किस्मत बुलंद है वो जीतेगा। मतलब टक्कर दोनों का है, हाँ, दोनों आसान का नहीं है। हाँ चुनाव आसान नहीं है, आसान चुनाव नहीं, आसान चुनाव नहीं है, दोनों बरोबर है। जैसे दक्षिण को बोलते हैं कि ब्रिजमोहन का गढ़ है, ब्रिजमोहन तो है उसका गढ़ है, और संसद भी अपना जोरदार है, सुनील सोनी, सुनील सोनी आप महापौर भी रह चुका है, संसद भी विधायक भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में तो उसका शासन है, तो टक्कर बरोबर की ऐसी बात नहीं है। आकाश शर्मा भी टक्कर के हैं, आकाश शर्मा भी टक्कर के हैं, हाँ हाँ है बिल्कुल। तो ये बताओ अभी ना बीजेपी और कांग्रेस में फुल लड़ाई चल रहा है, ठीक है, जब से चुनाव शुरू हुआ है लगातार कांग्रेस वाले कह रहे हैं बीजेपी का जो सुनील सोनी है वो निष्क्रिय नेता है, ठीक है, हाँ। क्या लगता है सुनील सोनी काम धाम करते हैं कि वो काम धाम करते हैं? ऐसी बात नहीं है, सुनील के बीच मुलाकात भी अग्रवाल भी करते हैं, नहीं ब्रिजमोहन की बात तो चल रही है, ब्रिजमोहन को तो ब्रिजमोहन के नाम से ही तो टक्कर चल रहा है, सुनील सोनी का कुछ नहीं है, सुनील सोनी डबल मिल के विकास करेंगे, सुनील सोनी का कुछ भी नहीं वाला मामला है, है सुनील सोनी को रायपुर मानते हैं, ऐसी बात मानते हैं, मानते हैं सब मानते हैं, महापौर रह चुके हैं, संसद रह चुके हैं, विधायक भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो बरोबर का टक्कर का है, जीत भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बीजेपी सरकार की आकाश शर्मा का, आकाश शर्मा भी जीत सकता है, ऐसा नहीं है कि वो हार जाए, वो भी टक्कर दे रहा है, अब वो ताकत तो लगा रहा है, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है, जनता के हाथ में है। मतलब बीजेपी के लिए आसान नहीं है चुनाव? आसान तो किसी के लिए नहीं है, अभी दोनों टक्कर में चल रहा है, दक्षिण विभाग दोनों टक्कर में चल रहे हैं, दोनों बढ़िया है। दादा से बात करते हैं, हाँ दादा बताइए, जैसे ब्रिजमोहन रहते ना, हाँ? तो मतलब आसान रहता, ब्रिजमोहन रहते तो आसान रहता, आसान रहता, उसके अब कंधे में बंदूक चला के वो खड़ा हुआ है। अरे वाह, मतलब सुनील सोनी के कंधे में बंदूक चला रहा है ऐसा बोल, हाँ ऐसा है और कुछ नहीं। अभी दीपावली तक माहौल कैसा था, दीपावली तक क्या लग रहा था, क्या होगा अब? के बाद माहौल दिख रहा है, माहौल दिख रहा है, दिवाली के बाद माहौल दिख रहा है ऐसा। हाँ ये बताओ ज्यादा कौन नेता है जो जनता के बीच आते हैं, मुलाकात करते हैं? आकाश शर्मा ज्यादा लोगों के बीच आते हैं, सुनील सोनी ज्यादा लोगों के बीच आते हैं? अभी तो दोनों नया है समझो, हमारे वो महा ये क्या बोलते हैं ब्रिजमोहन थे ना, वो हरदम आते थे, ब्रिजमोहन जो हैं वो हमेशा आते हैं, लेकिन आकाश शर्मा और सुनील सोनी दोनों नए नेता, नया समझो ऐसा। हाँ तो दक्षिण के जनता के लिए ये मुश्किल होगा कि किसको चुना जाए, किसको चुना जाए, नहीं सही बात है, ऐसे वो जो महापौर रह चुका है वो आया था इधर, हाँ। एक बार आया था ना तो यहाँ से उसको भगा दिए थे, भग गया था तुरंत 2 मिनट में। क्यों भगा दिए थे उनको ये नहीं पता भाई मेरे को, मैं ऐसे ही जा रहा था तो भगाया ना, तुरंत गाली गलौज दिए तो तुरंत भग गया वो। लोगों के बीच क्या चर्चा है दादा? अब अभी दोनों का पक्ष है भाई, अब कोई कह नहीं सके, हाँ मतलब किसी के लिए चुनाव जितना आसान नहीं है, तो हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं और लोग बता रहे हैं खुल के कि आखिर चुनाव में क्या माहौल है।
पता चल रहा है कि इस बार टक्कर जो है आसान नहीं होगा, जमकर टक्कर होगा, किसी के लिए चुनाव आसान नहीं होने वाला है। ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम पूरे दक्षिण के चुनाव तक लोगों से बातचीत करते रहेंगे और यहाँ दक्षिण का माहौल आप तक पहुँचाते रहेंगे।